बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान कुरान के अपमान की एक कथित घटना के चलते अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़की थी। इस हिंसा के विरोध में त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें जला दी गई, मस्जिद पर हमले किए गए और उनके घरों में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर त्रिपुरा में हुई हिंसा की बताकर कुछ तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए गए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ उदाहरण दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की, जिसे त्रिपुरा का बताते हुए शेयर किया गया। दावा है कि त्रिपुरा पुलिस ने इस हिंसा में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने में मदद की। ऑल्ट न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। ऑल्ट न्यूज को पटना लाइव की 30 मार्च 2018 की एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो समस्तीपुर के रोसेरा में रामनवमी के दौरान निकाले गए जुलूस का है, जिसमें पुलिस ने भी हिस्सा लिया था। इस वजह से पुलिस की आलोचना भी की गई थी। रामनवमी के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद रोसेरा में धारा 144 लागू कर दी गई थी। ध्यान दें कि ये वीडियो मार्च 2018 का है और इसका त्रिपुरा की हिंसा से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में मुस्लिम समुदाय की टोपी पहने लोगों की भीड़ दिखती है। दावा है कि त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में धर्मनगर जिले के कदमतला से एक विशाल विरोध रैली निकाली गई थी और ये वीडियो उसी रैली का है। इस आधार पर कीवर्ड सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को 10 मई 2021 की इंडिया टुडे की वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बदायूं में एक धार्मिक नेता के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा वायरल वीडियो में दिख रही जगह इंडिया टुडे की रिपोर्ट से मेल खाती है। India.com के मुताबिक मौलवी अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी के अंतिम संस्कार के जुलूस का आयोजन किया गया था। अब आखिर में बात करते हैं इस वायरल तस्वीर की, जिसमें दो व्यक्ति हाथ में जली हुई किताबें लेकर खड़े हैं। दावा है कि ये तस्वीर त्रिपुरा की है और ये इस्लाम से जुड़ी किताबें थी जो हिंसा के दौरान जला दी गई। रिवर्स इमेज सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को 13 जून 2021 का एक ट्वीट मिला। इसके मुताबिक दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में लगी आग में लगभग 56 झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। गैर लाभकारी संस्था माइल्स टू स्माइल के संस्थापक और पत्रकार आसिफ मुज्तबा ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ शेयर की थी। उन्होंने बताया कि ये तस्वीर जून 2021 में संस्था के राहत कार्य के दौरान ली गई थी। आसिफ मुज्तबा ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि 12 जून की रात को कंचन कुंज के एक रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में आग लगी थी और ये तस्वीरें उसी घटना की है। ये दोनों व्यक्ति उन शरणार्थी परिवारों से है जिनकी झुग्गियां आग में जलकर खाक हो गई थी। न्यूज क्लिक ने भी इस घटना को रिपोर्ट किया था। यानी त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर कुछ पुरानी और असंबंधित तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए गए।